For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जी सर, सर वो जो ये जो इशू है एसिड अटैक को लेके, इस पर बहुत गहरे और बहुत ही पिन पॉइंट करके बात की गई है कि जो चलो एसिड बिकता नहीं तो फिकता नहीं, पर उससे भी ज़्यादा गहरी बात फिल्म में बहुत ही हल्के से कही गई कि एसिड पहले दिमाग में आती है फिर इंसान हाथ पे लेता है. तो आई थिंक हमें इस पर भी काम करना चाहिए. सो दीपिका की एक्टिंग फॉर श्योर हम कन्विंस हो रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने, और वो जिस तरह से हंस रही थी, मैंने लक्ष्मी जी को भी देखा है कई बार, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही थी. आई थिंक शी कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड हर सोल एंड शी परफॉर्म्ड इट. कितनी ग्रिपिंग है मूवी की स्टोरी, बांध के रखने में कामयाब होती है फर्स्ट हाफ. हाँ, ये पूरा दीपिका के कैरेक्टर पे ही घूमा है. और वो अगर देखिए, मैं कोई इतना बड़ा फिल्म में कोई हूँ नहीं, अब मैं उतना मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट स्टेचर कि मैं कमेंट कर सकूं, बट आई वुड थिंक कि अगर उसकी मानसिकता पे भी काम करते कि क्यों फेंका, उस पर बिल्कुल काम नहीं किया गया. मतलब जिसने एसिड फेंका उसके ऊपर, मतलब तूने क्यों फेंका, व्हाट वाज इट, व्हाई इज़ ही लाइक दैट, वो ऐसा बना क्यों, मतलब क्या सोच थी उसकी, व्हाई डज ही रेस्पेक्ट वुमेन, डजंट ही रेस्पेक्ट वुमेन, उसको काउंसलिंग दी गई कि नहीं दी गई, चलो गिरा दिया सज़ा दी, पर ऐसे लड़के जो ऐसे सोचते भी, उनके लिए काउंसलिंग का क्या है. तो ये सारी चीज़ें अगर होती तो शायद अच्छा होता. दैट्स माय ओपिनियन, आई डोंट से कि इट शुड हैव बीन डन, बट कुड हैव बीन बेटर. डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार का क्या, अमेजिंग. इट्स जस्ट लाइक अ पोइट्री, ईच एंड एवरी फ्रेम स्टिचेस इन, यू फील द कैरेक्टर, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है. एक क्यूरियोसिटी रहती है एंड तक कि भाई क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, क्या हुआ था. फिर एंड में वो लोग दिखाते भी कि कैसे हुआ था, वाई, क्यों वो बंदा इतना क्लोज हो रहा था, फिर क्यों उसने ऐसा किया जलन के मारे. एंड होते हैं कुछ, एक डायलॉग रहता है जिसमें वो कहते हैं कि जो उनका मेल लीड है वो कहता है कि दरिंदा हर किसी के अंदर होता है पर उसको कंट्रोल करना चाहिए, पर कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर लेता है. तो देयर जस्ट ट्राइंग टू शो कि द मेन रीज़न इज़ नॉट एसिड, इट्स अ पर्सन्स थॉट प्रोसेस. सॉन्ग्स की बात करें तो अरिजीत के जो गाने छपाक, वही मेरे मन में घर कर पाई है. दूसरे गाने उतना हैवंट. आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? सो 5 है पूरा. थैंक यू सर. श्योर, प्लेजर. क्वेश्चन करना है, उसका जवाब दूंगा ना मैं. आराम से यार, चश्मा खुल गया उसका. रेडी भाई सर, छपाक आप मूवी देख के आ रहे, कैसी लगी मूवी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? छपाक मूवी बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी की है और मुझे मजा आया. क्या बेस्ट पार्ट है मूवी का? बेस्ट पार्ट दीपिका की एक्टिंग, मेघना गुलजार का डायरेक्शन, दोनों ही चरम सीमा पर है. कितना प्रभावित करती है ये स्टोरी, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि एक एसिड अटैक सर्वाइवर की स्टोरी है, तो क्या लगा देख के? देखिए, सहानुभूति होती है, संवेदनशीलता दिल में जागृत होती है और फीलिंग्स होती है कि जिस पर एसिड अटैक हुआ उसकी ज़िंदगी आगे कैसी जाती है और क्या क्या उसको सहना पड़ता है. सॉन्ग्स की बात करें तो क्या सॉन्ग्स हैं? सॉन्ग्स में एक टाइटल सॉन्ग है छपाक वाला, वो बहुत ही दिल को टच करता है, बहुत ही अच्छी तरह उसको फिल्माया गया है. और एक गाना है वो भी बहुत अच्छा है. क्या दर्शकों को ये फिल्म बाद में कामयाब होती है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ? ऐसा है कि देखिए, इसमें इंटरटेनमेंट है नहीं. फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा लंबा है और कानूनी कार्रवाई पर भी ज़्यादा फोकस दिया गया है. तो दर्शकों को बांध सकेगी नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो चलेगी पिक्चर. कोई एक रीज़न दर्शकों को ये मूवी क्यों जानी चाहिए? मैसेज ये कि जागरूकता आनी चाहिए कि ये होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये किसी को नहीं पता है. जो ओरिजिनल लक्ष्मी पर एसिड फेंका गया वो हम लोग ने पढ़ा, देखा, वो उस पर आप बीती हुई सब देखा. उसने PIL दाखिल की सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या जजमेंट आया, वो सभी को नहीं मालूम होता, वो इसमें दिखाया. स्टार के साथ में इसके मैं 3 दे सकता हूँ, 3.5 स्टार बनते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मेघना जी ने, और इसमें खास करके दीपिका जी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर की है. और जब इस पिक्चर को मैंने देखा तो मुझे दीपिका नहीं लग रही थी, इतनी अच्छी गेटअप में आई थी कि लग रहा था कि ये लक्ष्मी अग्रवाल ही है. अगर प्रोस्थेटिक्स मेकअप की बात करें तो क्या लगता है? बहुत अच्छा मेकअप की है, बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी लगता है. ओके, और मूवी की अगर बात करें तो
थोड़ा सुनने में आ रहा है कि स्लो पेस है, तो दर्शकों को बांधने में कामयाब होती है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ये मैसेज वाली फिल्म है तो थोड़ी स्लो है, ये चटक पटक ये और ये कॉमर्शियल फिल्म नहीं है, ये सामाजिक फिल्म है और जो रियल जो ऐसे एक्सीडेंट हुआ है उस पर फिल्म है तो थोड़ा स्लो रहेगा। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो कैसा डायरेक्शन है मेघना गुलजार का? मेघना गुलजारी ने बड़ी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है और बेहतरीन नीट एंड क्लीन फिल्म है और हर यंग लड़कों को और लड़कियों को दोनों को देखना चाहिए फिल्म। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, अच्छे सॉन्ग। कोई एक रीज़न ये मूवी देखनी चाहिए ऑडियंस? बिल्कुल, ये रीज़न इसलिए मैं बोलूँगा लोगों को देखनी चाहिए कि अभी यंग जनरेशन है और ख़ास करके बॉयज़ को, लड़कों को, कि अगर कोई लड़की पे इस तरह से ज़बरदस्ती ना करें और इस तरह से कोई गंदी हरकतें ना करें कि सबकी माँ बहन है, अगर कोई लड़की एग्री नहीं होती है तो किसी और पे ट्राई कर ले। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहिए? 3 एंड हाफ। थैंक यू सर। छपाक आप देख के आए, मुझे थोड़ा सा इमोशनल भी लग रहे हो, और क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या है अंदर? लास्ट सीन विल लाइक मेक यू क्राई कि योर ब्राइड आप बचपन से देखते आ रहे हो, ये फेस अचानक से दैट डे व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ गर्ल, एंड दैट डे योर फेस इज लाइक इन अ मोमेंट योर फेस गॉट चेंज्ड, इट वाज सो गुड अ पिक्चर, मोटिवेशनल पिक्चर, सॉन्ग्स वर मोटिवेशनल, आई लव्ड इट, आई लव द मूवी, एंड इट वॉज वर्थ द मनी, यू नो इट वॉज वर्थ द मनी। दीपिका का काम, फिर मेघना गुलजार मैम का काम, और ये डायरेक्शंस वर सो गुड। मूवी थोड़ी सी स्लो तो थी, भी मतलब पेस थोड़ा सा आगे होता तो चलता। दर्शकों को बांधने में कामयाब रहेगी ये मूवी? हाँ, आई थिंक द मैसेज दे वांट टू सेंड इज दे कैन एक्चुअली दे आर सेंडिंग मैसेजेस। एक रीजन को ये दर्शकों को मूवी देखनी चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वी मस्ट स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक्स, नॉट ओनली फॉर रेप कॉज, वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक, एंड ये मैसेज सबको सब तक पहुंचाने के लिए वी मस्ट वॉच द मूवी। ताना जी भी साथ में रिलीज हुई है, तो आपको क्या लगता है ताना जी रेस में आगे रहेगी छपाक से या क्या? आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा ताना जी। एंड आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहिए? 5 स्टार्स। थैंक यू। कैसी लगी ओवरऑल मूवी, कैसी लगी? मुझे बहुत ही इनसेन लगी फिल्म। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रही हूँ फिल्म का सोच के, जिस तरह के मोमेंट्स हैं, जिस तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिस तरह की फाइट रही है इस फिल्म में, आई एम वेरी ओवरवेलम्ड, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट। शायद मैं अभी बार बार उस चीज़ से ओवरकम करके बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अभी भी फिल्म सिंक इन होने की, लाइक इट्स सिंकिंग इन मी एंड इट्स जस्ट मेकिंग मी सो ओवरवेलम्ड एंड टियरी, आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ एंड टॉक नॉर्मली, बट या इट्स जी बिल्कुल, बिकॉज मेन स्ट्रीम में आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो कितने लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ऐसे सर्वाइवर पे, आप कैसे एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाओ जो हर किसी तक पहुंच जाए, और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी फिल्म उन लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है जो ये चीज़ें करते हैं। शायद आप और मैं नहीं करेंगे क्योंकि हम दुनिया की सिनेमा देखते हैं, हम शायद न्यूज़ पढ़ते हैं, हम शायद इंसानियत की लड़ाई कर रहे हैं, हक की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो एसिड फेंक रहा है वो अपने आप में ऐसा इंसान है जिसे लगता नहीं कि किसी और का हक है जीने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में, मेन स्ट्रीम लाइफ स्टाइल में ऐसी बातें हो कि आप किसी का हक नहीं छीन सकते इंसान होने का, जीने का, और ये फिल्म उस चीज़ की बात करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमेंडेबल है मेघना गुलजार एंड दीपिका पादुकोण की, मतलब दीपिका ने तो प्रोड्यूस भी किया ये फिल्म, उन्होंने शी इज पुट हर मनी बिहाइंड दिस थिंकिंग दैट शी हैज़, एंड शी इज प्लेड द कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली, सो इट टेक्स नर्व्स ऑफ स्टील टू डू समथिंग लाइक दैट। दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल, द मोमेंट्स दैट दे हैव, जो उनकी नोक झोंक चलती रहती है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो इतनी ब्यूटिफुली दर्शाई गई है कि बिना एक कॉन्डिसेंडिंग पैट्रियार्कल मेल होते हुए भी विक्रांत वैसे एक थोड़ा सड़ू सा कैरेक्टर है, लेकिन इतना ब्यूटिफुली वो पोर्ट्रे किया गया है, वो कितना फील करता है इस कॉज के लिए, जो मालती खुद फील करती है क्योंकि वो उस चीज़ की एक सर्वाइवर अपने आप में है, और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, नोक झोंक करते, बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है ये, आपको रियलाइज़ करती है कि कितनी प्रैक्टिकल और रियल केमिस्ट्री है, क्योंकि शायद ऐसे ही हम आपस में बात करते हैं, जब प्यार होता है शायद ऐसे ही हो जाता है, जब दोस्ती होती तो ऐसे ही होती है, जब लड़ाइयाँ होती तो ऐसी होती है। तो इसमें कोई ओवर द टॉप एकदम आपके नो दुपट्टाज आर फ्लाइंग अराउंड, देर आर नो सॉन्ग्स एंड ऑल, बट देर आर मोमेंट्स दैट मेक यू रियलाइज दिस इज द रियल रोमांस ऑफ लाइफ। मैं ये कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ट्रेंड किया है बॉयकॉट छपाक, आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल हु शुड वॉच छपाक, बिकॉज दे आर द पीपल हु बिलीव दैट पीपल डोंट हैव अ राइट टू स्पीक, पीपल डोंट हैव अ राइट टू फाइट फॉर देयर राइट्स,
जब आपको ये लगता है कि आपका ज़्यादा हक है इस दुनिया में, इस धरती पे, यहाँ पे रहने का, अपनी बात रखने का, और आपको लगता है कि किसी और का हक नहीं है, तू औरत है तू क्यों बोल रही है ये, तू दलित है तू क्यों बोल रहा है, या किसी भी इन एनी फॉर्म इकोनॉमिक स्टेटस, आप गरीब हो आप चुप रहो, आपके हक के लिए कोई नहीं, हमारी गाड़ी आ रही है ना, हमारे खर्चे हो रहे हैं ना, आई कैन वेयर माई मे बैक ग्लासेस, आई डोंट नीड टू गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग एल्स, आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल हु शुड वॉच अ फिल्म लाइक दिस, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लिव, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से वॉट दे फील लाइक एंड लिव एज दे फील लाइक. बहुत ही मूविंग सॉन्ग है वो, तो गुलजार साहब तो वैसे ही जीनियस है, उनके बारे में तो हम तो कुछ ही नहीं बात कर सकते, लेकिन वो गाना इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि जितनी बार आप शायद सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि पल में किसी की ज़िंदगी आप कैसे बदल सकते हो और बर्बाद भी कर सकते हो, लेकिन वो लक्ष्मी अग्रवाल का स्पिरिट था जो मालती में कैप्चर किया दीपिका पादुकोण ने सो ब्यूटीफुली, दैट आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, मैं हर बार उठ जाऊँगी. 6 out of 5. थैंक यू सो मच. I think it's a very good film, very inspirational film. Because it's a film about triumph. मतलब कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए, नो अगर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो तो लड़ो, और अगर लाइफ में गंदे आदमी हैं तो अच्छे आदमी भी हैं. क्या पेस है मूवी का, सुनने वाला मूवी बहुत स्लो है, थोड़ी आर्टिस्टिक है, तो क्या है दर्शकों को? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत टाइट है, बहुत अच्छी कहानी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, तो एकदम जाना चाहिए और देखनी चाहिए ये फिल्म. गाना कौन सा अच्छा लगा? वो जो टाइटल ट्रैक है अरिजीत सिंह का. ओके, और डायरेक्शन की बात करें, बहुत अच्छा है, मेघना गुलजार ने बहुत सेंसिटिवली सब कुछ डील किया है. आप जाओ, आप आपके आंसू ही नहीं रुकने वाले हैं. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देते हैं? 5. थैंक यू वेरी मच. मैम अभी आप मूवी देख के आए छप्पा, कैसी आपको मूवी लगी? आप थोड़ी इमोशनल भी लग रही हैं. हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी ने रुलाया भी, हंसाया भी, और इतना अच्छा एक सेंसेशनल मुद्दा था, इमोशनल मुद्दा था, कि जिसमें सोच के हम हिल गए थोड़ा सा, कि ऐसे भी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि कभी हम रूबरू नहीं हुए ऐसे, आज देख रहे हैं कि हकीकत है, बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत बुरा भी लगा, लेकिन अच्छा ये लगा कि दीपिका का करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसने इतना ब्रेवली उसको फेस किया है, और जो सजा का प्रावधान आया 10 साल का, वो मुझे थोड़ा कम लगा उसमें, तो ये लगा कि आगे और होना चाहिए, और जो विक्टिम है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, थोड़ा उसकी फैमिली को भी कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. दीपिका की बात के लिए तो एक मजीवी कलाकार है वो, उनके अलावा बाकी कौन ऐसा कलाकार है जो प्रभावित करने में इस मूवी के अंदर? मूवी के अंदर मुझे दीक्षित जो बच्चा है अपना नया, वो अच्छा लगा, और जो उसका हीरो है वो भी मुझे अच्छा करेक्टर लगा, वैसे सभी अच्छे, क्योंकि बहुत सिंपल फिल्म है, वैसे आप देखिए तो उसमें कुछ ऐसा वल्गर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली के साथ बैठने के लिए देख सकते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है कि उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा. मूवी का पेस कैसा है? मूवी स्लो है, बोर करती है, कैसा है? मूवी तो मुझे लगता है बाधे रखती है, जहाँ तक मेरा है कि मानना है कि मूवी में ये होता है कि अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, मतलब लास्ट में जो एक आता है कि वो लड़की तैयार हो रही शादी के लिए, और एकदम से उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, दैट वॉज शॉकिंग, कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा लड़कियों के साथ होता है, तो इसके लिए लड़की बेचारी का क्या दोष है, है ना, वो क्यों जिम्मेदार है, पूरा समाज उसके लिए ज़िम्मेदार है, अगर लड़कों को हम गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं या लड़कियों को, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, उसका फैमिली भी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये मुद्दा, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा मुद्दा है. डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार कितनी सक्षम रही हैं इस बार? मेघना गुलजार ने जिस तरह से मुद्दे को उभारा है, दैट वॉज एक्सीलेंट, और थोड़ा बहुत कभी कैमरे में लगता था, थोड़ा सा कमी लगती थी, बट वो सब छुप जाता है जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा होता है, तो हम सारे लोग उसी को फोकस करते हैं, तो ऑल ओवर मूवी सो गुड. सॉन्ग्स कैसे हैं मूवी के, कोई आपका पसंदीदा? हाँ, मेरे छपाक छपाक, मुझे ऐसे तो अभी याद नहीं है, बट आई लाइक द छपाक, मुझे छपाक अच्छा लगा. सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप एक ऐसे विक्टिम से मिल रहे हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होने को है. लड़कियों को एक सुंदरता पे बहुत नाज होता है, जिसके वो समाज में अपने को सरवाइव कर पाती हैं, वो मुद्दा आपने ख़त्म कर दिया, लड़की के लिए तो क्या बचा फिर, तो उसको यही है ना, तू ऐसी है, तू इधर हट जा, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तो इससे बड़ी बात आप क्या लेते हैं, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है. उसके बाद भी लड़की सरवाइव कर रही है, जॉब कर रही है, वो फिर भी सोच रही कार नहीं है लेकिन मैं डैंगलर पहनूं, तो ये एक आपको जीने के लिए जो आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है, तो वो
बहुत स्ट्रॉन्ग है। मूवी का कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी हो रहा है लोग, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। मेरा मानना है कि दीपिका का वो अपना पर्सनल मामला है, वो कहीं आए कहीं जाए, किसके साथ उठती है बैठती है, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। ये हमारे लिए है कि उसने कैसा, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उसने अपना क्या दिया है, बेस्ट दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई लाइक द मूवी। और आउट ऑफ 5 4 स्टार्स। यस यस।